नमस्कार, मैं पुष्पांजलि चालिहा। मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 2 शेखी बाज मक्खी के प्रश्न उत्तर लेकर आए हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि मैंने उस लेसन को, उस पाठ को समझाया है और पढ़ने को भी सिखाया है। तो ये जो प्रश्न उत्तर है पेज नंबर 11 में दिया गया है। पहले तो है कि कैसी लगी कहानी। इसमें पूछा गया है कि कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। बातचीत करने के लिए कहा गया है, तो आप लोग नहीं भी लिखने से कोई बात नहीं, लेकिन इसके बारे में चर्चा करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? बच्चों, आपने तो कहानी सुन ली है, चाहे तो एक और बार सुन लीजिएगा और उसके बाद इस प्रश्न का जवाब आप दे सकेंगे। मेरी तरफ से तो मुझे कहानी में, हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी, क्योंकि उसने बड़ी ही समझदारी से घमंडी मक्खी को मकड़ी के जाले में फांस कर मार दिया और सबको बचा लिया। दूसरा है, मक्खी मकड़ी के जाले में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। इसमें आपको कहानी को और भी लंबा बनाने के लिए कहा गया है। तो मैंने लिखा है कि मक्खी मकड़ी को पकड़ने जब उसके जाल में घुसी तो वहां फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु जितनी कोशिश करती उतना ही फंसती जाती। इस तरह से उसका घमंड चूर चूर हो गया और आखिर में वह मर गई। हाँ बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने का भी प्रयास करें। दूसरा है कहानी का नाम। आपको इस पाठ में कहानी का नाम के बारे में भी एक और बार सोचने के लिए कहा गया है। लेखक ने इस कहानी का नाम शेखी बाज लोमड़ी रखी, लेकिन आप लोगों को कैसा लगा कहानी सुन के, उस तरह से इस कहानी का नाम रख के देखिए। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? यदि लोमड़ी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो चतुर लोमड़ी, समझदार लोमड़ी आदि होता। यदि शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो मूर्ख शेर, आलसी शेर ऐसा भी हो सकता था। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो कहानी का अन्य एक शीर्षक मतलब टाइटल, उसका नाम घमंडी का सिर नीचा, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा हो सकता था। ये दोनों ही एक मुहावरा है। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? जरूर गुस्सा हो जाते होगे, है ना? तो ये भी तुम अपने पेरेंट्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ बात करो। जब हमें कोई गहरी नींद से जगाता है उसके बाद का तुम लोग अपने से भी लिख सकते हो। तो हम गुस्सा नहीं करते, बल्कि उसे कहते हैं कि हमें सोने दो, नींद आ रही है, या अभी थोड़ी देर में उठते हैं। अगला प्रश्न, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था, तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? हाँ बच्चों, अभी लॉकडाउन टाइम में आप लोग जरूर बैठे बैठे ऊब जाते होंगे। फिर कभी कभी बहुत देर तक पढ़ते पढ़ते भी ऊब जाते होंगे। कई बार बहुत देर तक खेलते खेलते भी ऊब जाते होंगे। कभी हमारा दोस्त अपनी एक ही बात कई बार सुनाता है तो भी हम लोग ऊब जाते हैं, मतलब कि हम लोगों को वह बात और सुनने का मन नहीं करता है।
तब तुम लोग क्या करते होगे? तब तुम्हें पता है क्या करना चाहिए? श्रुत लेख करनी चाहिए मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि श्रुत लेख करने से या फिर गणित के कुछ सवाल करने से हमारा दिमाग फिर से तरोताजा हो जाता है। प्रश्न 3। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। अच्छा, तुमको अपने आप को शेर मान लेनी पड़ेगी। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, लोमड़ी बहन देखो इस मक्खी ने मुझे कितना तंग किया हुआ है। इसने मुझे पूरे दिन सोने नहीं दिया, मेरे कान पर और भी तंग कर रही है। जब मैंने मारने की धमकी दी तो वह लड़ने को तैयार हो गई। वह कभी मेरे माथे, कभी हाथ, कभी नाक, कभी कान पर बैठ जाती है। अपने पंजे से उसे मारने की कोशिश करते करते मैं खुद ही घायल हो गया हूं। मैं उससे बड़ा परेशान हूं, मुझे इससे बचाओ। हम ऐसा ही कुछ कहते होंगे जब हम किसी से परेशान हो जाते हैं। जैसे कि कभी कभी हमें अपने घर में ही कोई चिढ़ाने लगता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? अक्सर, अक्सर मीन्स ज्यादातर क्या करते हो, और कभी कभी, हमें दोनों में लिखना है। अक्सर हम लोग स्कूल से आने के बाद खाना खाकर आराम करते हैं। अक्सर स्कूल से आने के बाद खाना खाकर आराम करते हैं और कभी कभी आराम करते हुए टेलीविजन भी देखते हैं। हाँ बच्चों, खाना स्कूल से आने के बाद जब आप लोग बैठते हो और अगर टेलीविजन में कार्टून देखने लगते हो तो आप लोगों को नींद भी नहीं आती होगी, इसीलिए टेलीविजन को मत देखा कीजिए। उसको बंद करके फिर आप लोग थोड़ा देर सोने से ही आपको आराम मिलता है। कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी, चतुर, समझदार, डरपोक, सबसे चतुर, आलसी। मीन्स कहानी में आप लोगों को घमंडी कौन लगा, चतुर कौन लगा, समझदार कौन लगा, डरपोक कौन लगा, इसके लिए आपको कहानी फिर से देखनी पड़ेगी, मेरा इससे पहले का वीडियो। सबसे चतुर कौन लगा और आलसी कौन था? तो बच्चों, घमंडी कौन था? मक्खी घमंडी थी। फिर चतुर कौन था? हाथी बहुत चतुर था, वो उसके साथ बात करने में टाइम वेस्ट नहीं किया। समझदार कौन था? हाथी ही समझदार था। डरपोक कौन था? शेर। हाँ, इस कहानी में हमें ऐसा लगा कि शेर ही डरपोक था क्योंकि उसने हार मान ली थी। सबसे चतुर कौन था? सबसे चतुर तो लोमड़ी, लोमड़ी हमेशा सबसे चतुर होती है और उसी ने चतुरता से, चतुराई से घमंडी मक्खी को वही मार सके। आलसी कौन था? हाथी। हाथी चतुर भी था लेकिन आलसी भी था, इसीलिए वह आगे चला गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 14 में है बच्चों। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी करना। ऐसे चुटकी चुटकी बजाते हैं, मतलब कि चुटकी बजाते ही सेकंड में काम हो जाता है। अब तुम अपनी एक चोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ, या शेखी बाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ, जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। ये बच्चों आप लोगों को एक टोली बनाकर खुद से करनी होगी। और कुछ काम भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं कंघा करना, जूते पहनना। किसी किसी बच्चों को तो जूता पहनना नहीं आता होगा या लेस बांधना नहीं आता होगा। फिर दूध पीने में किसको कितना समय लगता है, आइसक्रीम खाने में सबको बहुत मजा आता है, आदि काम चुटकी बजाती पूरे कर लेते हैं। हमने गीता, सीता, मोहन, मनन, विमल को लेकर टोली बनाई।
आपके दोस्तों का नाम अलग भी हो सकता है, तो इसमें वही दोस्तों के नाम लिखकर एक टोली बनाइए और उनको कुछ काम करने के लिए दीजिए। मैं कुछ काम आपको बता सकती हूँ, ऐसे काम भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि जगहों के नाम पूछ सकते हैं, 5 सिंग वाले जानवरों के नाम पूछ सकते हैं, 5 रस वाले फलों के नाम लिखने के लिए कहा जा सकता है। एक एक पर्ची हर एक को दी गई। सबसे पहले मनन ने बताया, उसे लीडर बना दिया गया। जो पहला जवाब देगा वही लीडर बनेगा। नोट, विद्यार्थियों को दूसरे प्रश्न को अपने सहपाठियों की सहायता से पूरा करना है। यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा? बच्चों, इसके लिए आपको इस किताब के पन्ना नंबर 14 में एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। इसमें आपको रास्ते को ढूंढना है। बच्चों एक बात बताएं, इस चैप्टर के सारे प्रश्न मैंने पढ़ दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई भी असुविधा ना हो पढ़ने में, मगर इसको एक बार खुद पढ़ के खुद से करें। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिख कर बताओ। शेर आग बबूला हो गया। आग बबूला के मतलब मैंने चैप्टर में समझाया था, बहुत गुस्सा होना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि शेर गुस्से से पागल हो गया। उसकी जरा खबर लो ना, उसको हम और कैसे कह सकते हैं? उसके बारे में पता करो या उसे जाकर ठीक से समझाओ। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। उस मकड़ी को शीघ्र ही मार देती हूँ। चुटकी बजाते ही मतलब शीघ्र ही। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? जंगल के राजा को ऐसा नहीं कहना चाहिए। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? जलते बल्ब के आसपास। बच्चों जब एक बल्ब जलता है तो उसके आसपास क्या देखा होगा आपने? हाँ, मैं भी अभी देखने का कोशिश कर रही हूँ। ऐसा क्या कि मच्छर और ये जो होते हैं ना, कुछ इंसेक्ट्स मतलब कि कीट पतंग कुछ भी, वो लाइट बल्ब के पास आने लगते हैं। जलते बल्ब के आसपास मच्छर, छिपकली, पतंगे आदि आती है। आप लोग रिक्त स्थान को इसको लेकर पूर्ति करेंगे। खेतों में हमें क्या दिखता है? खेतों में टिड्डियां, मच्छर, चिड़ियां इत्यादि दिखते हैं। इकट्ठे पानी के ऊपर, जब एक जगह पानी बहुत दिनों तक इकट्ठा हो जाता है तो वह पानी गंदा हो जाता है और उसमें मच्छर और मक्खी आ जाती है और उससे गंदगी पूरा फैला देती है। फूलों पर, बच्चों आपने कभी देखा फूलों के ऊपर क्या आते हैं? भंवरे तथा तितलियां, वे फूलों के ऊपर मंडराते रहते हैं। कचड़े के ढेर पर मच्छर और मक्खियां आती है। इसीलिए बच्चों हमें घर के आसपास कचरा जमा होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि मच्छर और मक्खियां फिर वहां से आके हमारे खाने में या किसी भी सामान में आके बैठती है तो वो गंदगी फैला देती है। हलवाई की मिठाइयों पर, हाँ कभी कभी हमें होटल में हलवाई की मिठाइयों पर भी क्या दिखती है? मक्खियां और मधुमक्खियां, वे बहुत ही भिन भिनाती हुई मक्खियां हमें दिखती है, तो वैसी मिठाई हमें नहीं खानी चाहिए। क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो? कौन है वह? किस चीज के बारे में शेखी घबराता बघाड़ता है?
शेखीबाज को जानते हो? मतलब हो सकता है कि तुम अपने दोस्तों में से किसी शेखीबाज को जानते हो जो कि बहुत ही बातूनी हो और सिर्फ अपने ही बारे में ज्यादा झींगे हाँकते हो, हाँकता हो, बघारता है। वह किस चीज के बारे में शेखी बघारता है? मतलब कि वह किस चीज के बारे में ज्यादातर बोलता है? मेरी एक सहेली है जो अपने हर चीज की शेखी बघारती है। बघारती मीन्स बार बार, रिपीटेडली कहना, बार बार कहना एक ही बात को। वह अपनी हर चीज को कीमती व विदेशी बताती रहती है, अपने हर काम को बढ़ा चढ़ा कर बताती है। बच्चों, इसी जैसा तुम्हें भी अपने सहेलियों के बारे में कुछ भी अगर लगता है तो आप इस पर बात कर सकते हैं और अलग भी कुछ लिख सकते हैं। विद्यार्थी इसे अपने अनुसार ही लिखे तो अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो फिर आज के लिए प्रश्न उत्तर इतना ही है, लेकिन इसके अलावा भी एक और प्रश्न आपको मिलेगा पेज नंबर 12 में। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? इसमें मिलेगा कि शेर ने भोजन में क्या क्या खाया होगा और हम भोजन में क्या क्या खाते हैं। तो बच्चे, शेर भोजन में क्या खाता है? कच्चा मांस खाता है। वह शिकार कर कर पूरा जानवर खा जाता है, जैसे कि कभी जेब्रा खा लेता है, कभी डियर यानी हिरण को खा लेता है, जो भी उसके पकड़ में आता है। अगर वह जंगली भैंस को पकड़ता है तो उसको खा लेता है। तो मैं ये फिर से दिखा रही हूँ, देखिए आपको दिख रहा होगा और आपके पास बुक्स तो होंगे ही, किताबें तो होंगे ही, आप अपने किताब में आराम से देख भी सकते हैं। इसके नीचे देखिए बच्चों, एक और प्रश्न है जिसे आपको खुद ब खुद ही कंप्लीट करना है। यह है कि किसने क्या कहा? यहाँ एक चित्र में ये जो कहानी आपने पढ़ी शेखी बाज मक्खी, उसी के बारे में कुछ चित्र बनाए हुए हैं। और उस चित्र में पहला तो शेर ने क्या कहा, ऐसे आपको लिखना है। देखो बच्चों, ये पहला चित्र है, इसमें आपको लिखना है। यहाँ इस चित्र में हमें क्या दिख रहा है कि ये शेर बैठा हुआ है और ये मक्खी जो है वह उसे तंग कर रही है। दूसरे चित्र में, दूसरा चित्र जो है मुझे थोड़ा दिखाने में मुश्किल हो रही है, लेकिन फिर भी हाँ, दूसरे चित्र में भी वही दिखाया गया है। तो आपको अपने मन से लिखना है कि इस चित्र के दौरान शेर मक्खी से क्या कह रहा था। तीसरा चित्र जो है हाथी का है, मक्खी हाथी से कुछ बोल रही है, तो आपको यह जगह तो छोटी पड़ेगी, तो आपको यहाँ लिखना है कि इसमें मक्खी हाथी से क्या बोल रहा है। फिर ये लोमड़ी, लोमड़ी से मक्खी क्या बोल रही है। फिर ये लोमड़ी कह रही है कुछ मक्खी से, क्या कह रही है, इन पंक्तियों में आपको लिख के इसको पूर्ति करना है। तो बच्चों, यह तो बहुत ही आसान है और ये बहुत मजेदार है। आप लोग इसको कीजिए और आपको बहुत मजा आएगा बातें करने में भी। अच्छा, मैं ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको बताए वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देती हूँ। आप इस लिंक को क्लिक करके उसको लिख भी सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, लॉकडाउन टाइम है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, दूसरे स्टोरी बुक्स भी पढ़िए। और बताइए मैं क्या लेकर आऊँ आपको, आपके लिए अगर जनरल नॉलेज या स्टोरी बुक्स भी मैं लेकर आऊंगी, व्याकरण भी लेकर आऊंगी, आप लोग देखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।